4K के मॉनिटर है, IPS पैनल है, 10 बिट पे बेस्ड है और डिस्प्ले P3 है। हम एडिटर्स और कलरिस्ट है तो ये सारे फीचर्स हमारे लिए बहुत खास है। Hi everyone, I am Sajin Madan. Today I'm going to talk about BenQ PD2706UA model, दोस्तों। तो दोस्तों, one of the best monitor है अगर आप एक photo editor हैं, video editor हैं, colorist हैं। सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं, क्या क्या accessories के साथ में मिलती है, क्या क्या features इसमें आपको मिलते हैं। तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले इसे unbox करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें BenQ की तरफ से एक सर्टिफिकेशन रिपोर्ट मिलती है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं दोस्तों, जो कि AKU कलर टेक्नोलॉजी से मिलती है दोस्तों। बेसिकली इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी, कलर टेम्परेचर और गारमेंट तीनों को कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इसके बाद दोस्तों, हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं एंड क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमें जो केबल्स मिलती हैं, पावर केबल मिलती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमें सी टाइप केबल मिलती है। उसके बाद दोस्तों, हमें फुल HDMI केबल मिलती है। उसके बाद दोस्तों, USB to B केबल मिलती है हमें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमें DP पोर्ट मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट दोस्तों। ये केबल्स आपको साथ में मिलती हैं, इनको भी हम साइड पे कर देते हैं अभी। इसके बाद दोस्तों, हमें मॉनिटर माउंट मिलता है। मैं इसे भी पैकेज में से बाहर कर लेता हूँ। तो मॉनिटर माउंट मिलता है कि जो कि बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलता है। फिलहाल इसे भी हम साइड पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको बैक कवर मिलता है मॉनिटर का। ये दोस्तों, जो भी आपकी वायर्स वगैरह है मॉनिटर के अंदर लग रही हैं, तो पूरी की पूरी इसमें कवर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अर्गो आर्म मिलती है, उसे हम बाहर निकालते हैं। ओके, जो कि बहुत ही सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम बात करें, बिल्कुल एक मैग्नेट दिया गया है, बिल्कुल इजी रिलीज कर सकते हैं क्विक दोस्तों। जो भी आपकी वायर्स वगैरह होगी, यहाँ पे अर्गो आर्म के बैक साइड पे आ जाएंगी दोस्तों, बंद कर देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, ये टेबल माउंट बहुत ईजी कर सकते हैं। इसके अंदर टेबल आ जाएगा और एक सेकेंड में ये आपके टेबल पर माउंट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपका मॉनिटर आ जाएगा, वो भी असेंबल करके दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इसे भी साइड पर कर देते हैं। और लास्ट पे दोस्तों, हमें मिलता है हॉट की पक जनरेशन 2 दोस्तों। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं फिलहाल। ओके, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, बेसिकली ये एक तरह का माउस है दोस्तों। आपको किसी भी बटन को मॉनिटर के छूने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों डायलर दिया गया है, यहां से आप अपनी ब्राइटनेस, काफ़ी चीज़ें स्क्रॉल कर सकते हैं एंड शॉर्टकट्स दिए गया 1, 2, 3 बैक एंड रोटेशन का दोस्तों। यहां से आप अपने मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है बिल्कुल खाली हो जाता है। मैं ये चीज़ साइड पर कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ मॉनिटर को पैक किया गया है दोस्तों। मैं इसे भी रैप को हटा देता हूं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अर्गो आर्म हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले इसका स्क्रू ढीला करेंगे दोस्तों। ओके, तो बेसिकली ये यहां पे माउंट हो जाएगी। मैं इस तरफ से आके इसे टाइट कर देता हूं। और दोस्तों, साथ में यहाँ पे हमें L की भी मिलती है। अगर आप अपने पैनल को अप या डाउन करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी L की से आप कर सकते हैं दोस्तों। ये L की भी आपको मिलती है। ओके, तो मॉनिटर माउंट हमारे पास आ चुका है, मॉनिटर माउंट करेंगे। ओके, इसे मैं बैक कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से आपने सिर्फ इसे पुश करना है दोस्तों। बहुत ही इजी, एक सेकंड के अंदर आपका मॉनिटर माउंट हो चुका है माउंट के ऊपर। ओके, इसके बाद आपने यहां पे कुछ इस तरह से इस होल के अंदर अपने मॉनिटर को लगा देना है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मॉनिटर आपका बेसिकली लग चुका है। अगर आप इसको टाइट करना चाहते हैं तो एक यहां पे नीचे की साइड एक स्क्रू दिया गया है, इसको टाइट करना है दोस्तों आपने। ओके, तो ये दोस्तों टाइट हो चुका है। अगर आप इसे डाउन करेंगे तो डाउन हो जाएगा। अगर आप कुछ यहाँ पे खड़े होकर कुछ टाइप कर रहे हैं
ओके, तो बहुत इजी आप इसे यूज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहां से दोस्तों आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड 275 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, उसके बाद आप राइट हैंड साइड 275 डिग्री रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं तो फ्रंट पे भी, जैसे आपका टेबल छोटा है तो आप इसे बैक भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास टेबल अभी छोटा है तो मैंने बैक कर दिया दोस्तों, कुछ इस तरह से, तो आप बैक भी कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इसके ऊपर अभी कुछ वेट नहीं है तो नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैंने बड़े आराम से इसे बैक किया दोस्तों। तो दोस्तों इसकी खासियत की बात करें, बेसिकली बता चुका हूँ कि 27 इंच का ये मॉनिटर है दोस्तों, UHD 4K मॉनिटर है दोस्तों, 3840x2160 की दोस्तों रेजोल्यूशन है, जो कि हम एडिटर हैं, कलरिस्ट है, तो हमारे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों इसके अंदर HDR10 है दोस्तों। HDR10 के क्या बेनिफिट है दोस्तों, सबसे पहले ये 10 बिट कलर्स के ऊपर बेस्ड है, 1.07 बिलियन कलर्स हैं इसके अंदर। HDR10 के अंदर दोस्तों 1000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस मॉनिटर को 5 जगह से और सर्टिफिकेशन मिली हुई है, सॉलिड वर्क्स, उसके बाद दोस्तों TUV, उसके बाद पेंटोन, उसके बाद दोस्तों कैलमन के बाद दोस्तों पेंटोन स्किन टोन वैलिडेशन भी है दोस्तों। जैसे कैलमन है वो वीडियो एडिटिंग के लिए दोस्तों, उसके बाद पेंटोन फोटो एडिटिंग के लिए, और दोस्तों पेंटोन स्किन टोन वैलिडेशन है दोस्तों वो बेसिकली एडिटिंग के लिए है दोस्तों, कि भला वो फोटो है वो वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों और खास बात इसकी सबसे मुझे अच्छी लगी, कहीं पे भी बेनक्यू ने ब्रांडिंग अपनी नहीं की, सिर्फ बैक साइड पे बेनक्यू लिखा है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर और खासियत की बात करें दोस्तों, इसके अंदर KVM फीचर भी इंक्लूड है दोस्तों, कीबोर्ड वीडियो माउस दोस्तों। मैं मैक यूजर भी हूँ, विंडो यूजर भी हूँ, तो दोस्तों मेरे जो दो PC हैं, दो सिस्टम है, दो सिस्टम के लिए मैं एक कीबोर्ड माउस का ही यूज कर सकता हूँ, तो मुझे दो कीबोर्ड माउस नहीं चाहिए। यही मॉनिटर दोस्तों हमारे एक PC पे लग जाएगा, दूसरे पे भी ज्वाइंट हो जाएगा, उसके बाद जो कीबोर्ड एंड माउस होगा दोस्तों हमने सिर्फ अपने मॉनिटर के अंदर लगाना है, उसके बाद दोस्तों होट की पक से दोस्तों आपने स्विच करना है, या अंदर से आप सेटिंग को स्विच कर सकते हैं 1 PC के ऊपर या 2 PC के ऊपर। आप सिर्फ एक सिंगल मॉनिटर यूज कर सकते हैं, सिंगल कीबोर्ड माउस का यूज कर सकते हैं दोस्तों दो सिस्टम के लिए। अगर दोस्तों हम फ्रंट पैनल की बात करें दोस्तों, एंटी ग्लेयर कोटिंग का यूज किया गया है दोस्तों। अगर आप इस मॉनिटर को लाइट के अंदर बैठ के भी यूज करेंगे दोस्तों, पूरी रिफ्लेक्शन आपकी कट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों IPS पैनल है, 178 डिग्री का व्यू एंगल आपको मिलता है दोस्तों। अगर हम साइड पैनल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे USB आपको जैक मिलता है, हेडफोन जैक मिलता है दोस्तों, Type-C पोर्ट आपको मिलता है दोस्तों। अगर हम बैक पैनल की बात करें दोस्तों, बिल्ट इन 2 स्पीकर इस मॉनिटर के अंदर है दोस्तों ऑडियो के लिए। तो दोस्तों इसके साथ में आपको 1 ईयर के लिए पेंटोन कनेक्ट की सब्सक्रिप्शन मिलती है दोस्तों, जो कि $90 की है दोस्तों। अगर आप 30 सितंबर से पहले पहले इसे परचेज करते हैं, या 30 तक आप परचेज करते हैं, तो 1 ईयर के लिए आपको पेंटोन की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको 15,000 कलर्स, 15,000 कलर्स बिल्कुल आपको साथ में फ्री मिलेंगे। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं बेनक्यू की वेबसाइट से, डिस्प्ले पायलट दोस्तों। आपको किसी भी मॉनिटर के स्विच को यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा आप कंट्रोल मॉनिटर को, उसकी ब्राइटनेस, उसके मोड, सारे फीचर्स दोस्तों डिस्प्ले पायलट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये मॉनिटर हमारा पेंटोन स्किन टोन वैलिडेशन है, तो दोस्तों ये मेरी एक ब्राइड है और यहाँ पे हम स्किन टोन एक्यूरेट करेंगे दोस्तों। इसे मैं अपनी फोटो भी मान सकता हूँ, और ये बेसिकली एक वीडियो का क्लिप है, एक फ्रेम पे मैं रोक चुका हूँ, अब ये मेरा एक फोटो बन चुका है। इसकी स्किन टोन करेक्ट करने के लिए आपके पास RGB परेड ओपन होना चाहिए, वेक्टरस्कोप ओपन होना चाहिए, एंड वेवफॉर्म लूमा। और दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर कम है, ग्रीन ज़्यादा है, और रेड टोन और ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब रेड टोन 80+ जा रहा है दोस्तों।
अगर आप क्लिप को यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा हम जूम करेंगे यहाँ से 150%, और उसके बाद हम जाएंगे लुमेट्री कलर के अंदर और कर्व के अंदर। दोस्तों कर्व के अंदर रेड टोन ज़्यादा है, तो यहाँ से बेसिकली रेड टोन के मिड पार्ट हम डाउन करेंगे दोस्तों। ओके, और उसके बाद ब्लू टोन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके अंदर हम मिड टोन के ब्लू पार्ट्स हाई करेंगे दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों हम मास्टर के अंदर जाएंगे, जूम आउट कर लेंगे। मास्टर के अंदर हम कंट्रास्ट फिल करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट लगा के मिड टोन हल्का सा बढ़ाएंगे दोस्तों। सिर्फ मैं अपने क्लिप को बिफोर एंड आफ्टर करूं, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो बहुत ज़्यादा फर्क मेरे क्लिप के अंदर आ चुका है। तो जो इसके अंदर कलर्स आ रहे हैं या एक्यूरेसी दिख रही है स्किन के अंदर, वो आपके हर मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल मतलब आईफोन के ऊपर भी बिल्कुल एक्यूरेट ही इसी तरह से दिखाई देंगे। वन मोर थिंग, PD2705UA वर्सेस PD2706UA दोस्तों। जो दोस्तों 5 है उसके अंदर P3 गार्मेंट नहीं है, जो 6 है दोस्तों अपग्रेड वर्जन है उसके अंदर P3 गार्मेंट है दोस्तों। हम एक कलरिस्ट हैं, एडिटर हैं, तो हमें P3 टेक्नोलॉजी चाहिए, P3 गार्मेंट चाहिए। तो अगर आप भी सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटिंग करते हैं या कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये मॉनिटर बेस्ट होने वाला है। तो चलिए इसकी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। होट की पक्के स्क्रोलर के ऊपर आपने पुश करना है दोस्तों। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, सिंगल इनपुट, पिक्चर इन पिक्चर, पिक्चर बाय पिक्चर, डिस्प्ले मोड। उसके बाद दोस्तों कलर्स के काफ़ी सारे मोड हैं, जैसे हम एडिटर हैं, कलरिस्ट हैं, हम यूज़ करते हैं दोस्तों डिस्प्ले P3 या DCI P3 दोस्तों, हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, एडिटर हैं हम। उसके बाद sRGB, REC 709, MBook, CAD CAM, एनिमेशन, लो ब्लू लाइट, ई पेपर, डार्क रूम, DCOM, यूज़र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डुअल व्यू, ब्राइटनेस, शार्पनेस, एडवांस, यहाँ से आप पूरा मेन्यू कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद KVM स्विच का ऑप्शन है, ऑडियो का लेवल है दोस्तों, गेन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं, जो आपका माउस है, हॉटकी पक है दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 3 शॉर्टकट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग के अंदर आएंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद ऑल सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी एडवांस सेटिंग आपको मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, मॉडल नंबर सर्च करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आपका मॉडल नंबर शो होगा, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों एक बिग न्यूज़ इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो BenQ की ओर से इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है IdeaCam S1 Pro। तो IdeaCam S1 Pro दोस्तों क्या है, बेसिकली एक वेब कैम की तरह है दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उसे हैंड हेल्ड यूज़ करना चाहते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आप स्कैन करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है या कोई पेज है उसे स्कैन करना चाहते हो, तो हैंड हेल्ड कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो फोटोज़ भी आप उसके साथ क्लिक कर सकते हैं। जल्दी ही हम पूरा रिव्यू IdeaCam का लेके आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।